जनगे जय सुरेंद्र जय। कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, पढ़मं नानं तओ दया एवं चिट्ठई सब संजये अन्नानि किं काहि किं वा नाहि छेय पावकम्। शास्त्र में कहा गया पहले ज्ञान और फिर दया आचरण। हमारी दुनिया में ज्ञान का बहुत महत्व है, ज्ञान एक पवित्र तत्व है। जैन तत्व विद्या के संदर्भ में बताऊं, जो भी हमारा ज्ञान है वह ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम अथवा क्षय से संबंधित है। ज्ञान है इसका मतलब ज्ञानावरणीय कर्म हल्का तो जरूर हुआ है, और केवल ज्ञान है तो ज्ञानावरणीय कर्म क्षय को भी प्राप्त हो गया है। तो ज्ञान अपने आप में पवित्र वस्तु है, परंतु हम कौन सा साहित्य पढ़ें, कौन से विषय का ज्ञान प्राप्त करने का प्राथमिकतया प्रयास करें, यह एक विवेचन का विषय बनता है। ज्ञान तो दुनिया में कितना है, कितने ग्रंथ पुस्तकालयों में ग्रंथागारों में पड़े हैं, रखे हुए हैं। सारे ग्रंथों को कोई पढ़ना चाहे पूरे जीवन काल में भी पढ़ता रहे तो भी संभवतः सारे ग्रंथों को पढ़ पाना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? एक संस्कृत के श्लोक में इस समस्या के संदर्भ में पथ दर्शन दिया गया है। वह श्लोक है, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नः यत् सारभूतम् तदुपासनीयम् हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। कि ज्ञान का तो कोई शब्द शास्त्र का कोई आर पार नहीं है, अनंत है, परंतु जीवन काल सीमित है, स्वल्प काल है, और उसमें भी कई बार विघ्न बाधाएं आ जाती हैं। कभी स्वास्थ्य की अनुकूलता न रहे, कभी ग्रंथों की उपलब्धि में अनुकूलता न रहे, कभी ज्ञान देने वाला गुरु शिक्षक वो न मिले, कभी कोई आलस्य भी आ जाए। तो समय सीमित है, स्वल्प है, और फिर विघ्न बाधाएं भी आ जाती हैं, तो क्या करें? तो श्लोककार ने कहा, जो सारभूत है उसकी उपासना करो, सारभूत ग्रंथों को, सारभूत ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास करो। जैसे हंस क्षीर को, दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को जैसे छोड़ दे आश्रय। आदमी उपयोगी ज्यादा है उसको पढ़े, उसको ग्रहण करे। तो ज्ञान के ग्रंथ बहुत हैं,
कौन आदमी कौन से ग्रंथों को ज्यादा पढ़े, यह विवेचन का विषय है। सत्संगत की बात आती है कि संतों की संगत करो, अच्छे लोगों की संगत करो, तो इस बात को आगे यों बढ़ाएं कि सत्य साहित्य की संगत करें, साहित्य भी अच्छा पढ़ें। मीडिया में भी टीवी आदि देखना है, उसमें भी देखें क्या चीज़ नहीं देखना, किस में समय नहीं लगाना। समय बड़ा कीमती है, हर किसी चीज़ में समय हमारा न चला जाए। तो ज्ञान का महत्व है। एक ऐसे ग्रंथ होते हैं जिनको पढ़ने से वैराग्य भाव बढ़ने में सहयोग मिलता है, एक जीवन का पथ दर्शन मिल जाता है। इसलिए जो कुछ बुद्धिमान लोग हैं, शिक्षित हैं, कुछ गहरे ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास करें, गहरे ग्रंथ, डीप नॉलेज जिन ग्रंथों में हो उनको पढ़ें, तो मानो बुद्धि का भी थोड़ा व्यायाम हो जाए, कुछ गहरी बात प्राप्त हो सके। तो ज्ञान और आचार, ज्ञान करो और फिर सम्यक आचरण करो। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने संभवतः, जहां तक स्मृति है, एक बार पश्चिम रात्रि में संतों की सभा में कहा था कि संतो तुम लोग तत्वज्ञान का विकास करो, विकास करो, कि हम सदा नहीं बैठे रहेंगे, तुम लोग विकास करो। तो ज्ञान का विकास हो, तो ज्ञान का महत्व है, साथ में आचार का भी महत्व है। आचार शून्य ज्ञान और ज्ञान शून्य आचार, दोनों मानो अधूरे हैं। आचार निरकोरा ज्ञान है अधूरापन, ज्ञान है आचार नहीं तो भी अधूरापन। नॉलेज एंड करेक्टर, ज्ञान और आचार दोनों जीवन में हो तो उसका जीवन, उस आदमी का जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। एक पंडित था जो राजा का काफी एक अनुग्रह पात्र था, राजा उसको मान सम्मान देता और संस्कृत का विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था। राजा की भी रुचि रहती थी कि धर्मशास्त्रों की बातों को सुने। तो राजा ने पंडित जी से कहा कि आपको जब टाइम मिले, पंडित जी बोले मुझे तो टाइम ही टाइम है, आपको टाइम मिले तब मैं आ जाऊं। कहा ठीक, आप शाम के समय आ जाया करो, 4 से 6 बजे के बीच में जितने मेरे अनुकूलता होगी, मैं थोड़ा आपसे शास्त्रों की, धर्म की बातें सुनना चाहूँगा। आप 4 बजे के आसपास जैसे आ जाओ, अनुकूलता रहे, 6 बजे के बाद नहीं, 4 से 6 के बीच में मेरे अनुकूलता होगी, जितना टाइम मिलेगा थोड़ी आपकी बातें आपसे सुन लूँगा, शास्त्रों की बातें। पंडित जी को गौरव की अनुभूति हुई कि राजा ने मुझको यह जिम्मा सौंपा है शास्त्र की बात बताने का। तो पंडित जी रोज 4 बजे के आसपास राजा के कक्ष में आ जाते, राजा भी पंडित जी को मान सम्मान देता और टाइम जितना मिलता 10 मिनट 20 मिनट पंडित जी को निकट बिठा करके धर्मशास्त्रों की चर्चा करता, बातें सुनता, संस्कृत के श्लोक सुनता। कई दिन बीत गए। एक दिन पंडित जी के मन में प्रश्न पैदा हुआ कि राजा मेरा इतना मान सम्मान रखता है, इज्जत करता है, वो इज्जत मेरे ज्ञान विद्वत्ता के कारण से मुझे मिल रही है या मेरे आचरण के कारण से मिल रही है? इज्जत क्यों मुझे राजा देता है, ज्ञान के कारण से, पांडित्य के कारण से, या और मेरे अच्छे आचरणों के कारण से? यह परीक्षण करूं किस आधार पर मुझे इतनी इज्जत मिल रही है।
अगर कोई विद्वत्ता के कारण से ही इज्जत मिलती है तो वो मैं धारणा करूं, साथ में आचार का भी कारण है तो उसको भी अवधारित करूं। तो परीक्षा करना था। एक दो दिनों के बाद पंडित जी, जो एक राजा के महल के एक तरफ भंडार था, भंडार में चले गए। तो भंडार का जो अधीक्षक व्यक्ति था, बेचारा खड़ा हुआ कि ये तो राजा के भी सम्माननीय हैं, तो खड़ा हुआ, बड़ा मान सम्मान दिया, एक दंडवत प्रणाम किया पंडित जी को, पधारिए पंडित जी पधारी, हाँ सा आ गए आ गए। तो देखते हैं भंडारे में क्या चीज़ें हैं। तो अधीक्षक ने सोचा ये तो राजा के बड़े सम्मान, इनको अच्छी तरह दिखा दूँ कहाँ क्या रखा है। तो अधीक्षक ने आलमारियाँ खोल खोल के दिखाया, यहाँ ये रत्न हैं, हीरे हैं, सोना है, चांदी, इतने केस रुपये रकम दिखा रहा था। जहाँ वो हीरे पड़े थे 15-20, पंडित जी ने 5-7 हीरे मुट्ठी में लिए, जेब में डाल लिए, चलते बने। भंडार के अधीक्षक व्यवस्थापक ने सोचा अरे क्या करूं, बड़े कीमती हीरे पंडित जी ने तो जेब में डाल लिए, चलते बने। अब कभी कोई वो गणना होगी तो ये कम मिलेंगे तो मेरे पर आरोप आएगा कि भंडार के व्यवस्थापक ने हीरे चुरा लिए, मैं चोर के लाऊंगा, क्या करूं। राजा को बता दूं बात कि पंडित जी ने हीरे ले लिए तो राजा मेरी बात पर विश्वास भी कैसे करेगा कि पंडित जी जैसे आदमी चोरी थोड़ी करते हैं, क्या करूं। दोनों ओर से समस्या है। एकानी नदी और एकानी नार हो, यह स्थिति बन गई। आखिर सोचा जो भी हो, राजा विश्वास करे न करे, राजा को बता तो दूं, मेरा काम तो पूरा हो जाए। एक दिन जब राजा एकांत में था तब सामने खड़ा हो गया हाथ जोड़ के। तो राजा ने सोचा भंडार का अधीक्षक आया है, कोई बात करनी होगी। अपने सेवक से कहा कि भंडारी जी को अंदर लाओ। भंडारी जी आए, थोड़े बहुत डरों फरों से थे कि महाराज थोड़ा सा एकांत में निवेदन करना था, इसलिए मैंने, हालांकि यह आपका व्यक्तिगत विश्राम का समय है, मैंने बड़ी गुस्तागी की, जो भी की, मुझे एकदम एकांत चाहिए था, इसलिए आपके विश्राम में थोड़ी बाधा ही पड़ेगी, संभवतः कोई एकांत बात बतानी है। तो बोलो भंडारी जी, कोई खास बात नहीं, बोलो आप। तो सेवक था उसको भी दूर कर दिया। अब राजा और भंडारी जी, भंडारी बोला महाराज एक बात निवेदन करने जा रहा हूँ, मुझे लगता है आप मेरी बात पर विश्वास तो नहीं करेंगे, फिर भी अपना कर्तव्य मानते हुए मैं अपनी बात निवेदन कर रहा हूँ। महाराज बात यह है कि एक दो दिन पहले पंडित जी महाराज जो महाराज के पास आया करते हैं शाम को, वो भंडार में आए थे। कहा पंडित जी भंडार में क्यों गए, उनका क्या मतलब भंडार से, उनको तो ज्ञान से मतलब है, ग्रंथागार में पंडित जाएं तो समझ की बात है, भंडार में पंडित जी क्यों जाएं, उनका क्या मतलब है। मैं पता नहीं, वो आ गए थे तो आ गए, तो मेरा काम तो उनका स्वागत करना ही था। कहा तुम्हारा काम तो ठीक ही था, फिर क्या हुआ। कि महाराज उन्होंने कुछ, उनकी भी इच्छा थी भी भंडारे में कहाँ क्या रखा है, मेरी भी इच्छा थी दिखाऊं पंडित जी को, मैंने आलमारियाँ खोल खोल के उनको दिखाना शुरू कर दिया, ये हीरे, ये रत्न, ये केस, ये चीज़, ये चीज़। तो महाराज मैं दिखा रहा था, जब हीरे दिखा रहा था तो पंडित जी ने मुट्ठी भर के कुछ हीरे ले के अपने जेब में डाल लिए और चलते बने। कहा नहीं नहीं पंडित जी कोई ऐसा काम, महाराज मैंने पहले ही कहा आप विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात पर मैंने अपनी बात बता दी है। भंडार अधीक्षक तो चला गया। अब राजा को नींद नहीं आ रही थी कि भी पंडित जी ने ऐसा काम किया, यह बात सही है क्या। पर यह भंडारी भी मेरा काफी विश्वस्त आदमी है,
तभी मैंने भंडार का जिम्मा सौंपा था संभाल का, और ये भी झूठ तो नहीं बोलता जहाँ तक लगता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्या बात है। एक दिन कोई राजा का दो चार दिन बाद विशेष समारोह था, तो उसमें पंडित जी को भी आना था, तो पंडित जी आए तो राजा ने फिर पंडित जी को सम्मान नहीं दिया, आंख उठा के देखा ही नहीं, पंडित जी यूं ही कहीं बैठ गए। तो पंडित जी को लगा कि असर तो आ गया राजा पर। फिर शाम के समय पंडित जी गए तो राजा की कोई सम्मानपूर्ण दृष्टि नहीं थी, तो पंडित जी बोले, महाराज क्या बात है, इन दिनों में मेरे पर कड़ी दृष्टि कैसे हो गई, कोई गुनाह हो गया आओ तो फरमाओ, ताकि मैं तो आपका सेवक हूँ, सेवा करने वाला हूँ, कोई गलती हो गई तो कृपा कर फरमाओ। तब राजा बोला, पंडित जी कोई आप भंडार में गए थे क्या कुछ दिनों पहले? कि महाराज गया तो था, जो आपका भंडार से क्या मतलब है, आप तो पुस्तकालय में जाओ तो ठीक है, पंडित लोग हो भंडार में क्यों गए? महाराज कोई उद्देश्य था। अच्छा गए तो भंडारी ने आपका स्वागत सम्मान किया? महाराज बिल्कुल स्वागत सम्मान किया, सब दिखा दिया, कई आलमारियां दिखाई थी। तो आपने कोई वहां से कुछ लिया है क्या? अरे महाराज कुछ लिया तो है, क्या लिया? कुछ हीरे लिए थे। पंडित जी आपने हीरे क्यों लिए? हीरे चाहिए थे तो आप मुझे कह देते, मैं आपको बख्शीश में हीरे दे देता जितना दे सकता था, चोरी के रूप में यह क्या किया फट उठा के बिना अनुमति के यूं ले लिए हीरे? यह तो बिल्कुल गलत बात है, एक तरह की चोरी का सा काम हो गया। आप जैसे पंडित ऐसा काम करेंगे तो आम जनता फिर क्या करेगी? कि महाराज जो भी अपराध गलती हुई, मुझे आप जो भी दंड दें स्वीकार है। कि पंडित जी आपने क्यों किया ऐसा, इतने आप विद्वान आदमी, मुझे मेरे पास बैठने वाले, शास्त्रों की चर्चा करने वाले। तो पंडित जी बोले, महाराज मेरे मन में प्रश्न हो गया था कि राजा मेरा सम्मान करता है वो ज्ञान के पांडित्य के आधार पर करता है या मेरा आचार भी उसमें सहभागी है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैंने प्रयोग किया कि देखता हूँ आचार मेरा गलत होने के बाद मेरे सम्मान में कोई कमी आती है क्या। अब मैंने देख लिया, जो ही मैंने ये गलती की अब आपकी दृष्टि में कड़ापन आ गया, मेरा सम्मान बंद हो गया। इसका मतलब है केवल पांडित्य ही नहीं, आचार का भी बड़ा महत्व है जीवन में। तो हमारे जीवन में कोरा ज्ञान है, आचार नहीं है, अधूरापन है। आचार है, ज्ञान बिल्कुल वैसे है ही नहीं, तो भी कमी है। ये विद्यालय, महाविद्यालय, आज विश्वविद्यालय, जगह जगह आज भी हम आए हैं, स्वामी नारायण संप्रदाय से संबद्ध है। तो विद्यालयों में ज्ञान के साथ आचार जब मिलता है तब विद्यार्थियों में परिपूर्णता आ सकती है। ज्ञान मिल गया, अंग्रेजी जान लिया, संस्कृत जान लिया, और भी विषय भूगोल खगोल पढ़ लिए, परंतु ईमानदारी में कमी, अहिंसा में कमी, संयम में कमी, अहंकार ज़्यादा, इसका मतलब संस्कार अच्छे नहीं हैं। तो विद्यार्थियों में ये ज्ञान और संस्कार, ज्ञान और आचार, ये दोनों हो, श्रुत और शील, ज्ञान भी है शील आचार भी है, तो एक विद्यालयों की ओर से बहुत अच्छा काम हो सकता है। विद्या संस्थान बहुत सफल हो सकते हैं जब वे विद्यार्थियों को ज्ञान और आचार दोनों प्रदान करने वाले हों, दोनों के शिक्षण को देने वाले हों। परम पूज्य आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी, जीवन विज्ञान की बात, जो साइंस ऑफ लिविंग, तो यानी मूल बात है ज्ञान और साथ में अच्छे आचार का शिक्षण, यह हो, और न केवल विद्यार्थियों में, हमारे जीवन में ज्ञान भी रहे
साथ में अच्छा आचार भी हो, तो नागरिक आदमी भले धंधा करें, बिजनेस करें, उद्योग करें, कोई भी काम करें, उनके जीवन में ईमानदारी, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये अच्छे तत्व भी हों तो आदमी की आत्मा अच्छी रह सकती है, चेतना अच्छी रह सकती है, और आदमी यहाँ भी ठीक, आगे भी, क्योंकि पुनर्जन्म का सिद्धांत है, तो आगे भी अच्छा होने की संभावना बन सकती है। तो जितने ये धर्म संप्रदाय हैं, जैन हो, बौद्ध हो, स्वामीनारायण हो, और अनेक इस्लाम भी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सनातन धर्म परंपरा आदि आदि हैं, इनमें जो संत हैं, धार्मिक हैं, विशेष धर्म कथा करने वाले हैं, वे कम से कम अपने अपने अनुयायियों को ये धर्म के संस्कार, अच्छे संस्कार, ज्ञान और साथ में आचार, ये दोनों ग्रहण करने की प्रेरणा देते रहें, अपने अपने अनुयायियों का जीवन अच्छा रहे, इस संदर्भ में जितना संभव हो सके प्रयास करते रहें, तो जनता कितनी अच्छी हो सकती है। दुनिया में देखें धार्मिक लोग कितने, कितने लोग धार्मिक हैं, कितने क्षेत्रों में, कहीं कोई धर्मगुरु, कहीं कोई धर्मगुरु, फिर उनके संत आदि साथ रहने वाले और उनके भक्त लोग हैं, तो धर्म तो कितना दुनिया में फैला हुआ है। अच्छी बात है, अहिंसा, संयम आदि के संस्कार दिए जाएं तो इस क्षेत्र में और ज़्यादा यथासंभवतया जागरूकता हमारी रहे कि हम संत लोग जो हैं वो जनता को, अपने अनुयायियों को अच्छे संस्कार देने का प्रयास करते रहें, तो ये आदमी का कल्याण हो सकता है और आदमी कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। दानान सिठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवीसुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमी समणेणाय पुत्ते।